हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीबीएसई के वेरियस पोस्ट के एग्ज़ाम के बारे में। और दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दो दिन का पेपर आपका हो चुका है, 28, 29 और आज 30 है। जी हाँ, आज का पेपर हो रहा है फिलहाल, जो हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो है पूरा डेटा नहीं आया। तो फिलहाल हमने जो है 28 और 29 तारीख के जो है क्वेश्चन जो पूछे गए थे और बच्चों से जो हमने बात की थी, आपने देखा था, हमने लाइव आपके सामने लेके आए थे। तो अब आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि आपको जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है जूनियर असिस्टेंट की। जी हाँ, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं जूनियर असिस्टेंट का बताने वाला हूँ। तो अगर अदर जो हैं, तो जैसे कि अलग पोस्ट वाले हैं, जैसे स्टेनोग्राफर और सीनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट वाले, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ कट ऑफ, सिर्फ और सिर्फ जूनियर असिस्टेंट का बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नई भर्ती आती है, तो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे सरकारी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, तो हम आपके लिए सभी जॉब्स की जो है नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो स्मार्ट न्यूज चैनल से बेहतर चैनल आपके लिए कोई और नहीं है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप देखिए, जूनियर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके लेवल्स मैं बता देता हूँ। दो दिन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा अगर जीके में पूछा जाए तो देखिए, जीके में सबसे ज़्यादा कठिन सवाल पूछे गए थे अकॉर्डिंग टू बाकी के जो चार भी चैप्टर हैं वो, और एक स्कूल एजुकेशन। जी हाँ, यानी पहला तो आपका जीके बहुत टफ गया, दूसरा स्कूल एजुकेशन में जो उम्मीद थी उस उम्मीद के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बच्चों ने कहा सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जानी चाहिए, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था। सिर्फ निगेटिव मार्किंग होने से ही ना होने से ही कट ऑफ ज़्यादा जाए ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे पेपर जो है ठीक ठाक रहा, यानी मॉडरेट लेवल में चला गया। काफ़ी बच्चों का जो है पेपर अच्छा भी गया है, जिनका मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छा था और जीके भी जिनका बहुत मजबूत है, तो उनके लिए तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। लेकिन जिनका जीके उतना अच्छा नहीं है, वैसे भी काफ़ी लेवल के हिसाब से काफ़ी टफ पूछा गया था। करंट अफेयर्स पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2019 के, जी हाँ, और दो तीन महीने पुराने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का आप हिसाब ले लिए तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही जो है पूरा पूछा गया था। और आज के पेपर में, जी हाँ, 30 तारीख के पेपर में बता दूँ तो आज का तो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीने के जो है सवाल पूछे गए थे। तो फिलहाल हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट में। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में अगर आपने फॉर्म भरा है, अनरिजर्व में आपके 140 से 145 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो अपने आपको जो है आप कट ऑफ लिस्ट में समझ सकते हैं कि आपका जो है नंबर लग जाएगा। फिलहाल अभी दो दिन के डेटा के आधार पर हमने जो है ये वीडियो बनाया है, तो दो दिन के आधार पर 140 से 145 के बीच में आपका आ रहा है, क्योंकि आपने एनालिसिस किया होगा, आपने पेपर दिया है, तो आपको जो है आराम के साथ जो है कट ऑफ में आप आ जाएंगे। जी हाँ, सेकेंड राउंड में, यानी स्किल टेस्ट के लिए। नंबर दो, अगर एससी में आप 135 से 138 के आसपास में भी हैं, जी हाँ, 135 से 138, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन लगभग जो है पक्का ही समझिए, क्योंकि सेकंड राउंड के लिए मैं बता रहा हूँ, स्किल टेस्ट के लिए पक्का मतलब फाइनल सिलेक्शन मत समझिए। तो 135 से 138 के बीच में, तो आप ये जो कट ऑफ का जो सिलसिला है उसे आप जो है कटआउट कर लेंगे आराम के साथ 135 से 138 के बीच में। नेक्स्ट है ओबीसी। तो दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया था कि 72,000 जो है बच्चे अनरिजर्व का फॉर्म भरे थे, 66 के आसपास जो है ओबीसी में, और 1,00,000 से जो है आंकड़े जो है एससी में फॉर्म भरे गए थे। तो जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जिसमें बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है ओबीसी से अगर एससी को कंपेयर करते हैं, तो आप 40,000 बच्चे जो है एससी में ज़्यादा बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी इनसी ओबीसी से बेटर जाएगी, और ओबीसी की थोड़ी मीडियम कट ऑफ जाने वाली इस बार, क्योंकि ओबीसी में जो है 130 से 135 का आंकड़ा अगर आपने छू लिया है, आपने जो पेपर देके आया है दो दिन के अंदर, जी हाँ, 28 और 29 वालों, तो आपके लिए जो आसानी के साथ जो है खुशखबरी है, क्योंकि खुशखबरी यह है कि आपको जो स्किल टेस्ट में आराम से मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें एसटी की, तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है 125 से लेकर 129 का आंकड़ा जो है छूना होगा, 125 से 129 के बीच में ही जो है आपका जो है इसका कट ऑफ जाने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। तो अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप जो है अपने आप को स्किल टेस्ट में ज़रूर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की चांसेस नहीं है अभी तक के हिसाब से, यानी 28 और 29 का जो पेपर हुआ उसके आधार पर ये अभी तक कट ऑफ जो है सामने आ रही है। और ये कट ऑफ दोस्तों आप ही जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं के जो है डेटा है, उन्होंने जो बताया है जिस हिसाब से सर पेपर आ रहे हैं। और फिलहाल अभी जो है कमेंट्स कंटिन्यू चालू है, अभी दो दिन बाकी है, यानी 30 और 31 का भी पेपर होना, तो 30 का तो आज बीत गया, बस कल लास्ट पेपर है, तो उसके बाद जो है हम आपको फाइनल कटअप बताएंगे सभी का जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तब। तो फिलहाल दो दिन के हिसाब से यही कटअप जारी, जो 28 और 29 को एग्ज़ाम दिए, तो आप लोग के लिए इतनी कटअप जो है अभी तक जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।